प्रिय बच्चों, आज हम लोग कक्षा 5 के संस्कृत विषय में नवम पाठ पढ़ेंगे। नवम पाठ का विषय है प्रथम पुरुष बहुवचन। प्रथम पुरुष बहुवचन के कर्ता के साथ प्रथम पुरुष बहुवचन की ही क्रिया का प्रयोग होता है, जैसे बालका पठन्ति। एक कर्ता का रूप प्रथमा विभक्ति में होना चाहिए। प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप होगा कर्ता का रूप। तो निम्ने हम लोग एक तालिका से स्पष्ट रूप से समझेंगे। कर्ता के रूप है कर्ता बहुवचन और क्रिया का रूप क्रिया का बहुवचन है इसमें। तो प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति में कर्ता का बहुवचन के रूप है ते। ते क्या है? तत् सर्वनाम शब्द रूप का पुल्लिंग रूप है। तो ते के साथ क्या होगा? ते के साथ क्रिया भी बहुवचन में होना चाहिए, प्रथम पुरुष बहुवचन में होना चाहिए। तो इनके साथ पठन्ति हुआ है, ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं। तो पठन्ति का मूल धातु क्या है? मूल धातु का रूप है पठ। पठ के साथ अन्ति युक्त हुआ है। तो पठ इन क्रिया के साथ अन्ति लगकर क्या हुआ है? पठन्ति। जब हम लोग क्रिया बहुवचन, क्रिया का बहुवचन का रूप बनाएंगे तब क्या होगा? मूल धातु के साथ अंति लगाना चाहिए। तो अंति लगकर होगा पठन्ति। और नीचे ता, ता क्या है? ता है तत् स्त्रीलिंग। तत् स्त्रीलिंग का बहुवचन रूप है ता। ता लिखन्ति, लिखन्ति इसमें भी क्या हुआ है? कर्ता बहुवचन के साथ क्रिया का भी बहुवचन हुआ है। तो मूल धातु लिखन्ति का क्या है? लिख है। लिख के साथ क्या संयुक्त हुआ है? अंति। अंति युक्त होकर लिखन्ति, अंति लगाना चाहिए बहुवचन में। नीचे है तानि, तानि है तत्, तत् का नपुंसक लिंग, तानि नपुंसक लिंग बहुवचन है तानि। तानि पतन्ति, पतन्ति इसमें मूल क्रिया है पत। पत के साथ क्या लगा है? अंति। तो अंति लगकर पतन्ति, तानि पतन्ति। तो चलो बच्चों, अभी हम लोग पाठ्य पुस्तक में जाएंगे। पाठ्य पुस्तक में नवम पाठ में देखेंगे कि बहुवचनों में प्रथम पुरुष बहुवचनों में तीनों लिंगों का सर्वनामों के साथ प्रयोग के उदाहरण नवम पाठ का पहला पेज में ही है। बालका नमन्ति, लड़के नमस्कार करते हैं। बालका, बालका क्या है? प्रथम पुरुष का बहुवचन है, प्रथम पुरुष कर्ता बहुवचन। प्रथम पुरुष कर्ता बहुवचन के साथ साथ नम धातु का भी क्या हुआ है? प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप हुआ है। बालका नमन्ति, बालका इन कर्ता के सर्वनाम क्या है? ते, ते नमन्ति। तो वे सब नमस्कार करते हैं। तो ते भी क्या है? बहुवचन है, बहुवचन का रूप है प्रथम पुरुष बहुवचन, और नमन्ति भी प्रथम पुरुष बहुवचन है। तो कर्ता के साथ साथ क्रिया का भी क्या हुआ है? बहुवचन का प्रयोग हुआ है। रमेश सुरेश संजीव च धावन्ति। रमेश सुरेश और संजीव दौड़ते हैं।
ते धावंती, वे सब दौड़ते हैं। तो रमेश, सुरेश और संदीप के सर्वनाम कौन है? ते। ते है बहुवचन और उनके साथ साथ धाव धातु के भी रूप क्या हुआ है? प्रथम पुरुष बहुवचन के। राम, श्याम, मोहन, राम, श्याम, मोहन। च लिखंती, राम, श्याम, मोहन च लिखंती। राम, श्याम और मोहन लिख रहे हैं। लेकिन इसमें इन वाक्य में लिख धातु का प्रयोग दिया हुआ है, लेकिन चित्र में है खेलने का चित्र, तो ये पाठ्य पुस्तक का गलतियां हैं। तो लिखंती के स्थान पे हम लोग क्रियंती भी बोल सकते हैं, तो क्रियंती भी बोल सकते हैं। तो राम, श्याम, मोहन च क्रियंती और क्रियंती, और इनके सर्वनाम है ते। लिखंती के स्थान पे भी क्रियंती बोल सकते हैं। अगर चित्र में लिखने का चित्र रहता तो लिखंती सही होता, लेकिन यहाँ में चित्र अलग है और वाक्य में प्रयोग भी अलग हुआ है, तो इसलिए ये पाठ्य पुस्तक का ही गलतियां हैं। राम, श्याम, मोहन च क्रियंती। राम, श्याम और मोहन खेल रहे हैं और इनके सर्वनाम क्या है? ते। ते मतलब वे सब क्रियंती, वे सब खेल रहे हैं। तो ते भी क्या है? प्रथम पुरुष बहुवचन के रूप है और लिखंती भी क्या है? लिखंती है क्रिया, प्रथम पुरुष बहुवचन। सैनिका, रक्षंती, सैनिके रक्षा करते हैं। ते रक्षंती, वे सब रक्षा करते हैं। तो सैनिका इनमें कर्ता में क्या है? कर्ता में बहुवचन का रूप है और रक्षंती भी क्या है? प्रथम पुरुष बहुवचन के रूप है। और सैनिका के सर्वनाम है ते, यहाँ में भी बहुवचन के रूप है और इनके साथ साथ रक्षंती, अर्थात यहाँ में भी क्या हुआ है? क्रिया का बहुवचन का रूप हुआ है प्रथम पुरुष में। बालिका, पठंती, लड़कियां पढ़ रही है। बालिका इन कर्ता में प्रथमा विभक्ति में क्या हुआ है? बहुवचन का रूप और इनके साथ साथ पठंती, पठ धातु का भी प्रथम पुरुष बहुवचन हुआ है। और इनके सर्वनाम है ता। ता पठंती, वे सब पढ़ रही है। ता है बहुवचन, पठंती भी है बहुवचन और पट के साथ अंति लगकर भी इनका क्या हुआ है? पठंती रूप हुआ है। अमिता, नमिता, मीता च गायंती। अमिता, नमिता और मीता गा रही है। ता गायंती, वे सब गा रही है। तो अमिता, नमिता, मीता के सर्वनाम क्या है? ताक है और ताक भी क्या है? बहुवचन का रूप है। बहुवचन का रूप है, बहुवचन का रूप है और इनके साथ क्रिया का रूप भी बहुवचन हुआ है। बहुवचन प्रथम पुरुष बहुवचन गायंती हुआ है। शीला, रमा, लता च क्रंती। शीला, रमा और लता खेल रही है। ता क्रंती, यहाँ में ता है शीला, रमा, लता के सर्वनाम और ता भी क्या है? सर्वनाम है, कर्ता के बहुवचन, सर्वनाम के बहुवचन का रूप है ता। और क्रंती यहाँ में भी क्या हुआ है? प्रथम पुरुष बहुवचन हुआ है क्रिया का रूप। ता क्रंती, वे सब खेल रही है। ककीला, कुजंती। ता
कुजंति, ककिला कुजंति, सब ककी सब कोयल कुज रही है। और ककिला का सर्वनाम है ता, वे सब कुजंति कुज रही है। ता भी क्या है, ता भी है बहुवचन के रूप, सर्वनाम के बहुवचन के रूप, और उनके साथ साथ कुजंति क्रिया भी क्या हुआ है, क्रिया भी बहुवचन हुआ है। और ता कुजंति दोनों ही बहुवचन का प्रयोग हुआ है। तानि फलानि संति, वे सब फल है, वे सब फल है। तो संति फलानि, संति फलानि भी क्या है, बहुवचन है, कर्ता बहुवचन है, और इनके सर्वनाम है तानि, तानि भी बहुवचन का ही रूप है, और इनके साथ साथ संति यहाँ में भी क्या हुआ है, प्रथम पुरुष बहुवचन क्रिया का रूप हुआ है। तान चक्रानि चलन्ति, वे सब चक्के चल रहे हैं। तो चक्रानि क्या है, बहुवचन के रूप है, कर्ता बहुवचन, इनके साथ साथ क्रिया का रूप भी बहुवचन हुआ है। चक्रानि के सर्वनाम के रूप है तानि, तो तानि भी बहुवचन के ही रूप है। तो वे सब चक्के चक्के चल रहे हैं। तो चक्रानि चलन्ति दोनों में, तानि चक्रानि चलन्ति, इन तीनों में ही क्या हुआ है, बहुवचन के प्रयोग हुआ है। तानि छत्राणि सन्ति, वे सब छाता है। छत्राणि के साथ साथ सन्ति ये भी बहुवचन है। तो कर्ता के रूप जब बहुवचन हो रहा है तो तभी क्रिया का रूप भी बहुवचन साथ साथ में हो रहा है। और छत्राणि का सर्वनाम है तानि, तो वे सब छत्ता है। तानि पत्राणि पतन्ति, वे सब पत्ते गिर रहे हैं। तो तानि पत्राणि पतन्ति, पत्राणि का रूप भी क्या है, पत्राणि का रूप भी प्रथमा विभक्ति में, प्रथमा विभक्ति में बहुवचन हुआ है, और पतन्ति भी क्या है, प्रथम पुरुष बहुवचन के रूप है। पतानि क्या है, पत्राणि के सर्वनाम के रूप है। तो आज हम लोग क्या सीखे कि प्रथम पुरुष बहुवचन के साथ साथ, अगर प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप अगर करता होगा तो इनके साथ साथ धातु का रूप भी प्रथम पुरुष बहुवचन में होना चाहिए। तो आज के लिए समाप्त करते हैं, धन्यवाद।